आलम कहाँ है? किचन में। आलम क्या कर लो? चाय बना लो मम्मा के लिए। फ्रेंड्स वेलकम टू टाइनी फीट स्टोरीज। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आरव महाशय उठ गए हैं और ये देखिए ये मेरे बाल खींच रखा है और पूरे जतन से खींच रहा है। क्या चाहिए बाबू? व्हाट यू वांट बेबी? क्या हुआ? यहाँ देखो सबको देखो, ये देखो 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 देखो। नहीं वो अभी नहीं देखेगा बिकॉज ही इज़ क्वाइट बिजी। उसको बस चाहिए मेरे बाल और ताकि वो खींच सके। और उसको कोई चीज़ अगर चाहिए होती है ना तो ही गेट्स सो डिटरमाइंड कि वो उसको हासिल करके रहेगा। आरव कैमरा को देखे स्टिल क्यों हो गया? बली बली आंखों वाला ये बच्चा कौन है? बली बली आंखों वाला बच्चा कौन है? स्टिल हो गया। तो आरफ अभी मॉर्निंग में बनाना खा रहा है स्नैक्स में और ऑस्कर देख रहा है कि मुझे कब मिलेगा। जनरली ऑस्कर आरफ जब बच जाता है वो खा लेता है तो उसको रहता है कि आरफ खाए ना कुछ। तो ये है ऑस्कर और आरफ की छोटी मोटी बातें। ये देखिए ऑस्कर चाह रहा है कि आरफ छोड़ दे कैसे और मैं खा लूँ उसका। ऑस्कर क्या करता है? ऑस्कर को पाई कर दे। पाई? ऑस्कर डर रहा, सोचा मेरे से कोई गलती हो जाएगी तो डांटेंगे मुझे। ऑस्कर पाई कर दे भैया को, प्यार कर दे। ऑस्कर डर गया बिल्कुल। आलम क्या कर लो? चाय बना लो मम्मा की जान। मम्मा क्या बना ली? चाय। आलम किचन में बैठ के मम्मा की जान चाय बना लो, है ना? चाय बना लो, है ना? इतनी खुशी आलम को लग रहा मैं खुद चाय बना रहा हूँ जैसे, है ना? यार ऐसा लग। सो आरफ का भी स्क्रीन टाइम चल रहा है, उसको टीवी दिखा रहे हैं ताकि हम थोड़ा काम कर पाए। वो डूब जाता है टीवी देखते टाइम, पूरा उसी में घुस जाएगा। सो गया बेचारा। सो मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स का एक्चुअली मैसेज आया, फैमिली का। अभी तो मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है नहीं एंड एवरीबडी वाज आस्किंग कि मैं फिर से ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हूँ, मैंने ब्लॉगिंग छोड़ क्यों दी। तो एक्चुअली मैंने छोड़ी नहीं, द रीज़न इज़ कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा ऑफिस भी रहता है एंड मॉर्निंग 9:00 से अराउंड इवनिंग मतलब 7-8 बजे तक रात तक ऑन साइड कॉल चलती है। तो बहुत ही बिजी रूटीन है एंड देन ब्लॉगिंग नीड्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम एंड डेडिकेशन। मतलब आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए टाइम चाहिए, आपको कंटेंट सोचने के लिए टाइम चाहिए, आपको एडिटिंग के लिए टाइम चाहिए। इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली। जब पता क्या होता था, मतलब मैं खुद ब्लॉगिंग नहीं करती, मैंने यूज टू सी व्लॉगर्स, फेमस व्लॉगर्स और जो व्लॉगर्स अभी बडिंग व्लॉगर्स है सबको। तो आई यूज़ टू थिंक कि यार ये क्या फालतू रिकॉर्डिंग करते रहते हैं और यू नो कुछ इतना खास तो है नहीं, बस ऐसे ही बकबक करते रहेंगे एंड देन इनका चैनल चल जा रहा है या नहीं चल रहा है वट एवर है और दे आर वेस्टिंग टाइम। बट आई वुड लाइक टू से दैट इट नीड्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम, इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड नॉट ओनली डेडिकेशन, मतलब आपको पेशेंस चाहिए भाई, इतना ईजी नहीं होता है। एक्चुअली मैं भी उस कैटेगरी में आती थी जब मैं भी लोगों को जज करती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड व्लॉगिंग मेरी तो 2-3 वीडियो में ही हालत ख़राब। मतलब अरे बहुत टाइम चाहिए होता है उसको रिकॉर्ड करना है, उसको भाई एडिट करना है और यू कैन नॉट शो द सेम थिंग एवरी डे, राइट? यू कैन नॉट स्पीक अबाउट सेम थिंग एवरी डे, अदरवाइज पब्लिक और ऑडियंस विल गेट बोर्ड। तो इस वजह से तो यही रहता था। बट अभी मुझे मोटिवेट किया कुछ फ्रेंड्स ने, लोगों ने कि नहीं यू आर डूइंग गुड और तो फिर से कर क्यों नहीं कर रही है। सो लेट्स सी। एक्चुअली क्या होता था, मैं एवरी डे ना वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, मॉर्निंग में 2-3 वीडियो रिकॉर्ड होगी, सोचूंगी आज कंटिन्यू करूँगी, वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ऐसे कितनी वीडियोस मेरी डिलीट हुई। लेट्स सी आज तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, पता नहीं ये आगे कंटिन्यू होता है या नहीं।
बेबीज के लिए आप चाहे कितने भी कॉस्टली टॉयज ले लो, बट आई टेल यू वन थिंग, उनको कुछ अटपटी चीज़ें ही अच्छी लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये एनवलप दे दिया, ये एनवलप को ये देखो, ये लगा पड़ा है, लगा पड़ा इसके बाद के लिए। लुक एट हिम, किसी की ना लगे नजरों की को चढ़ना लगे, गुंडू गुंडू गुंडू। ये आरव है, ये मम्मा है और हम मस्ती कर रहे हैं, है ना? ये आरव है, मम्मा है, मस्ती कर रहे हैं। हमारे चैनल को जब फॉलो करना, जब फॉलो करना, हम लोग जो नया नया कंटेंट बनाएंगे हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब करना। And we are on Instagram as well by the name Tiny Feet Story. नहीं नहीं करेगा बच्चा, अभी नींद में है, फिर भी दूध पी रहा ना, सबको दिखाती हूँ, ठीक है? सो अभी बज रहे हैं रात के 11:30, आई थिंक 12 बज चुके और आरव अभी तक नहीं सोया है। आई एम जस्ट होपिंग कि ये जल्दी सो जाए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।